ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ लागू करने के लिए वड्डी तैयारी दे विच ने ते उन्होंने देश विदेश विच वसदे ते पंजाब दे सारे लोगों नूं अपील की है कि वह एक बार फिर तो आनंदपुर साहब के मते नूं लागू करवाउण दे लई वड्डी तैयारी आरंभ रहे ने ते छेती ही इस दे लई वह होर भी कार्रवाई करन जा रहे ने। कोई चिंता नहीं करनी, हंकार बहुत छेती विसर्जित हो जाता है। मैं निर्णय लिया है श्रोमणी अकाली दल दे सारे पंजाब हिंदुस्तान देश विदेश विच बैठे हुए समर्थकों को बेनती करांगा कि आनंदपुरी विचारधारा के उत्ते हुण आपां पहरा देईए और आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन जो 16-17 अक्तूबर 1973 विच आनंदपुर साहब की पावन धरती ते लियांदा गया उस नूं अमली जामा पहनाउण लई मैं बहुत वड्डी तैयारी विच हाँ और समा आएगा कि आनंदपुर साहब की पावन धरती ते इस विचारधारा का सिंघां दे बोलबाले पंथ की चढ़दी कला एकता एकमुठता भाईचारक सांझ पंजाब का इतिहास ते सिख कौम का इतिहास पैरलल दुनिया लई एक नवा रस्ता बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जगबाणी टीवी।